साइंस 10th क्लास कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर नंबर 4। कार्बन और इसके घटक क्या है? पहला नंबर, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की 8 परमाणु से बने संरचना क्या होगी? संकेत सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में सम्मिलित होती है। पेंटेन के लिए आप कितने जिम्मेदार का चित्रांकन कर सकते हैं? कार्बन के कारण 2 गुणधर्म और हमारे चारों ओर से कौन से है? कार्बन स्टूडियो की विशाल संख्या दिखाई देती है। कार्बन के 2 गुणधर्म क्या है? कार्बन का संयोजन 4 है, अतः यह अपने ही परमाणुओं के साथ एक द्वितीयक सह अस्तरबद्धी आबंध के साथ जुड़ता है। एक कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाता है, लंबा श्रृंखला कंटेंशन बनाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बहुत विस्तृत है। साइक्लोपेंटेन की सूत्र और पाइथन बिंदु संरचना क्या होगी? उन्नत के कैथोड की संरचना चित्रण की गई है। एथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनोन, हेक्सेनाइल। ब्रोमोपेंटेन के संयोजन क्या संभव है? एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को सहायक अभिक्रिया क्यों कहते हैं? एथेनॉइक प्लस ऑक्सीजन संतुलित एथेनॉइक अम्ल। इस प्रकार यहां ऑक्सीजन की वृद्धि और मूल कमी हुई है और ये क्रिया ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन और एथेन की मिश्रण की दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। आप क्या बात बता सकते हैं कि एथेन वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? वायु में ऑक्सीजन के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। वेल्डिंग में पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है एवं ऑक्सीजन एथिन के मिश्रण को ही वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। इस मिश्रण के क्लोराइडी एसिटिलीन गैस कहा जाता है। आप अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट एक्वांसिलिक एसिड का उपयोग कैसे कर सकते हैं? यूक्रेन और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर दोनों में अंतर प्राप्त होता है। ऑक्साइड बाइकार्बोनेट अल्कोहल के साथ कोई क्रिया नहीं होती और ना ही कोई गैस उत्पन्न होती है, लेकिन एथेनॉइक एसिड का अभिक्रिया CO2 गैस पर होता है। आयोडीन कारक क्या है? आयोडीन कारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं अपमिश्रित हो जाते हैं, उदाहरण KMnO4। आप डिटर्जेंट का उपयोग करके क्या बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? हम डिटर्जेंट का प्रयोग कर यह नहीं बता सकते हैं कि जल कठोर है या क्यों, ये दोनों ही सिटिकियों में मिसल झाग उत्पन्न होते हैं। लोग तरह तरह के कपड़े धोते हैं और सामान्यतः साबुन बनाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, कपड़े से पीटते हैं, ब्रश से सुखाते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े को सुखाते हैं। इसके लिए उत्पाद साफ करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, साबुन मैल के साथ क्रिया करके मिसेली संरचना तैयार करना, तैलीय मेल मिसाल टिंडर में कॉम्बिनेशन हो जाता है और कपड़ों से चिपक जाता है। साफ करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। एथोन का कन्विन सूत्र, एथोन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सह संयोजक अबंध, 7 असंयोजक अबंध, 8 असंयोजक अबंध, 9 सह संयोजक बंध, इसमें होगा 20, 7 सह संयोजक अबंध। ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक जिसका प्रकारात्मक समूह है, इसमें होगा कार्बो कैसलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। इसमें कौन होगा? कीटोन। खाना पकाने के समय यदि पोएट्री की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब यह है कि भोजन पूरी तरह से पका हुआ नहीं है।
जलना पूरी तरह से जल रहा है, जलेबी आंध्र है और जलना पूरी तरह से जल रहा है। आंसर बी होगा, जलना पूरी तरह से जल रहा है। CH3Cl में अबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक अबंध की प्राकृतिक समझ। CH3 और Cl में तीन परमाणु कार्बन के एक परमाणु के साथ सहसंयोजक अबंध से जुड़ा होता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य सहसंयोजक बंध है। बिंदु संरचना का निर्माण, एथेनोइक अम्ल H2S प्रोपेनोन F2 सहसंश्रेणी क्या उदाहरण के साथ समझिए। उत्तर, कार्बन मंडल की ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजनों को एक प्रकार के प्रकार्यात्मक वर्ग प्रतिस्थापित है समश्रेणी कहलाती है। उदारीकरण, मीथेन CH2 एथेन CH6 प्रोपेन CH3H8 है। इनमें से CH2 और यूनिट का अंतर है। एल्किनों को समान सूत्र CnH2n के रूप में लिखा जा सकता है तथा N2-3-4 है। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एथेनॉल और अम्ल का क्या आप इसका उपयोग करेंगे। भौतिक, एथेनॉल की गंध अभिलक्षणिक एल्कोहल होती है जबकि एथेनॉलिक गंध तीव्र होती है। एथेनॉल का क्वथनांक 156 केल्विन होता है जबकि एथेनॉल का अम्ल क्वथनांक 290 केल्विन होता है। एथेनॉल का क्वथनांक 351 होता है जबकि एथेनॉल का अम्ल का क्वथनांक 391 होती है। रासायनिक गुण क्या है। एथेनॉल के लिट्स पेपर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है जबकि एथेनॉल एसिड ब्लू लिट पेपर को लाल कर देता है। एथेनॉल और क्लोराइड से कोई क्रिया नहीं होती है जबकि एथेनॉल क्लोराइड से कोई क्रिया नहीं होती है। साबुन, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। क्या एथेनॉल अन्य विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा। उत्तर, साबुन को जल में डुबाया जाता है तो मिसेल झाग बनता है क्योंकि साबुन में दो होते हैं, एक लेबिन सिलिकॉन कार्बन टेल और ऋणात्मक सिरा पूछ जल विरोधी व सिर जलारागी होती है। जब यह जल ध्रुवीय और विलायक के साथ क्रिया करता है तो आवेशित भाग के कारण जलरागी भाग आ जाता है। अतः वे साबुन के घोलों के सिर को चारों ओर से घेर कर गुच्छे का निर्माण करते हैं और झाग का भी निर्माण करते हैं। एथेनॉल ध्रुवीय और विलायक नहीं है इसलिए ये साबुन के झाग नहीं बनता। कार्बन एवं उसके लार्वा का उपयोग अधिकांश सुपरमार्केट में जेल का रूप क्यों किया जाता है। कार्बन के ANV की उसकी सिलिकॉन दहन के भीतर मात्रा में ऊर्जा का उत्पन्न करता है। उनका दहन नियंत्रण सरल तथा ज्वलन ताप पर सामान्य है अतः इन यौगिकों का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कठोर जल को साबुन का उपचारिक करने पर झाग का निर्माण को समझे। कठोर जल उपस्थिति में कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करके घुलनशील लवण नष्ट हो जाती है अतः श्वेत उत्सेपन का निर्माण होता है। यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच कराते हैं तो आपकी जांच क्या होगी। साबुन प्राकृतिक का होता है। यह लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। अनिश्चितीकरण क्या है और इसका उद्योग क्या है। उत्तर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके ग्लूकोज टूट जाता है। यह प्रक्रिया निक्षण कहलाती है। वनस्पति तेल प्लस H2 का उपयोग तेल से घी बनाने में किया जाता है। दिए गए सिलिकॉन कार्बन C2 H6 C3 H8 C3 H6 C2 H2 एवं CH4 में किसमें सिलिकॉन अभिक्रिया है। उत्तर, C2H2 एवं C3H3 में योग का अभिक्रिया होगी क्योंकि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर संकेत के लिए एक परीक्षण बताएं। मक्खन एवं खाद्य तेल असंतृप्त सिलिकॉन कार्बन है। इन ब्रोमीन जल परामर्श सहायता से अंटार किया जा सकता है। मक्खन और तेल गर्म करें। अब इन्हें कुछ बूंदे ब्रोमीन जल के डालें। मक्खन से सबस्ट्रेट है। इसी प्रकार तेल में ब्रोमीन जल का रंग उड़ता है। यह असंतृप्त सिलिकॉन कार्बन है।
साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि की समझाएं। उत्तर, साबुन के अणु में दो जलरागी होते हैं, एक जल विरोधी तथा दूसरा जलरागी। जल विरोधी सिरा कपड़ों से लगी मेल के साथ चिपकी रहती है और लेकिन जलरागी सिरा जल के साथ चिपकी रहती है। इसी क्रिया के कारण जहर मिसेल का निर्माण होता है। इस झाग में साबुन के अणु एक थोक आकार व्यवस्थित हो जाते हैं। ध्रुवीय भाग में कोना है। कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन खोकर किस उत्कृष्ट गैस का नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग प्राप्त करता है? हीलियम। भूपट्टी में खनिज के रूप में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.002% कार्बन का एक अणु बताए, जिसके कारण वह बड़ी संख्या में अणु बनता है। श्रृंखला। एस्टर एसिड या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः अल्कोहल कार्बोहाइड्रेट एवं क्षार की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? साबुनीकरण। मिशेल के किस शहर को आयनिक सिरा कहा जाता है? जलरागी सिरा। एल्केन में बनने वाले आबंध का नाम बताएं, एकल आबंध। समानार्थी को किस नाम से जाना जाता है? एथानॉल। एथानॉल एवं एथेनोइक अम्ल संयुग्मी अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ का नाम बताएं, जिसका उपयोग स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है? एस्टर। मिशेल और विलयीकरण की किस रूप में बना हुआ है? कोलाइड के रूप में। और मिशेल विलयीकरण में किस कारण से अवक्षेपण नहीं होता है? आयन और आयन के विकर्षण के कारण। साबुन का साबुन बादल जैसे क्यों दिखता है? साबुन के मिशेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर देता है। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या होता है? ये लंबे कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनिया एवं सल्फेट लवण होते हैं। अपमार्जक डिटर्जेंट कठोर जल और मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स के साथ घुलनशील पदार्थ क्यों नहीं बनते हैं? अमोनिया एवं सल्फेट लवणों के का सिरा आवेशित होता है। एथेनोइक एसिड क्लोराइड के असाधारण कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया क्या बनती है? लवण, कार्बोहाइड्रेट, डाइऑक्साइड एवं जल। एथेनोइक अम्ल तरल पदार्थ एवं अपृत कार्बोहाइड्रेट के साथ अभिक्रिया से उत्पन्न लवण के नमक को क्या कहते हैं? ग्लूकोज एवं एसीटेट। एसिटिक अम्ल कितने प्रतिशत विलयन से सिरका बनता है? 3 से 5% तक। शुद्ध एथेनोइक एसिड का गलनांक कितना होता है? 290 केल्विन या 17 डिग्री सेल्सियस। 290 केल्विन या 17 डिग्री सेल्सियस पर। कंपनी ग्रुप उस कंपनी का नाम बताए, जिसके सेवन से चतुष्तंत्रिका प्रभावित होती है एवं व्यक्ति का अंध भी हो सकता है। मेथानॉल। एथेनॉल में एथेनॉल के टुकड़े को बनने से यह साजिश हो जाता है मेथेनॉल। जिगर में मेथेनॉल के ऑक्सीलाइज पदार्थ कौन सा पदार्थ बनता है? मेथेनॉल। एक निर्जलीकरण का नाम बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल। केल्विन टेप पर एथेनॉल को सेंड्रा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण कितना आवश्यक है? 443 केल्विन प्रति। अल्कोहल नशु के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस जनरेटर चालू करता है? अंतिम। सोनीकरण अभिक्रिया से किस डाउनलोड का उपयोग होता है? निकल डाउनलोड या पैलेडियम। वनस्पति तेल मिश्रित कार्बन या असंतृप्त कार्बन है? असंतृप्त कार्बन। कुछ पदार्थों का अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? आयोडीनीकरण। एक आयोडीन की कार का उदाहरण क्या है? क्षारीय पोटेशियम और परमैंगनेट। मीथेन के पोटेशियम गैस के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम बताएं, क्लोरीन, मेथेन एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जीवाश्मी जंगल के जैसे कोयला एवं कन से दहन परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला उत्पाद का नाम बताए, ग्रीड एवं पंडित या पंडित का पंडित। हेलोजन समूह के कर्मचारी की संख्या कितनी है? 1। द्रव्यमान को बढ़ने पर पदार्थ के दो भौतिक गुणों का वृद्धि होती है, गलनांक एवं कंपनांक। कार्बन श्रृंखला में समजातीय श्रेणी किस तत्व का प्रतिस्थापित करती है? अंतिम। कार्बन श्रृंखला से जल एक ही प्रकार के सकारात्मक समूह विशेष को प्रतिस्थापित किया जाता है, तो इस प्रकार बनने वाला घटक को श्रृंखला को क्या कहा जाता है? सम श्रेणी। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से विशेष रूप से प्रतिस्थापित करने वाला तत्व को क्या कहा जाता है? परमाणु। परमाणु वह कौन सा पदार्थ है जो अभिक्रिया नहीं करता लेकिन अभिक्रिया का दर बढ़ा जाता है? डाउनलोड करें।
क्लास टेंथ तत्वों का आवर्त वर्गीकरण 5 चैप्टर। सन 1800 तक केवल 30 तत्वों का पता चला था। इन सभी तत्वों को संभवतः भिन्न भिन्न विशेषताएं थीं। जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही है, वैज्ञानिक इन तत्वों को गुणधर्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने लगे हैं। सबसे पहले ज्ञात तत्वों के धातु अधातु वर्गीकरण किया। जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। सन 1817 में जर्मन के रासायनिक वोल्फगांग डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों के समूह को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा। डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक ने तीनों तत्वों का उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने के बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। द्रव्यमान के लिए लिथियम एलआई सोडियम एन ए पोटेशियम की है। डोबेराइनर ने त्रिक में तत्वों का वर्गीकरण किया। यह पद्धति सफल नहीं रहा क्योंकि उस समय तक ज्ञात तत्वों केवल तीन त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। डोबेराइनर ने ही सबसे पहले प्लेटिनियम का उत्प्रेरक के लिए पहचाना तथा समान त्रिक की खोज की, जिसमें तत्वों के आवर्त सारणी का विकास हुआ। सन 1866 ईस्वी में अंग्रेजी वैज्ञानिक ने जॉन न्यूलैंड्स ने अज्ञात तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इस समाप्त किया। न्यूलैंड के अष्टक नियम के प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म के समान थे। सोडियम लिथियम के बाद 8वें तत्व इस तरह से बेरिलियम मैग्नीशियम में अधिक समानता है। ऐसे देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से ही नहीं मिलता न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कोई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत मेल नहीं खाते हैं। अपनी सारणी में इन तत्वों को समांजित करने के लिए न्यूलैंड ने दो तत्वों को एक साथ रखा दिया। कुछ असमान तत्वों के एक साथ रख दिया। इस प्रकार के न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों चमेली के मुख्य श्रेणी के रसायन डिमात्री इवानोविच डेम्फ्लिंट को दिया जाता है। आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों के अंत के मूल गुणधर्म द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भलाई के आधार पर स्थापित किया। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तब 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने पदार्थ के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म के बीच का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत मेंडलीफ ने पदार्थों को ऑक्सीजन एवं आवश्यक तत्वों के साथ बनने वाले घटकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन एवं ठोस को चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय है और अधिकांश पदार्थ के साथ ऑक्सीजन ब्लॉक हो गए। तत्व से बनने वाले हाइड्राडाइड एवं पुरावशेषों के सूत्र को संश्लेषण गुणधर्म के लिए मनाया गया। डोबेराइनर ने टिरियक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ भी क्या पाए जाते हैं तुलना करने का पता लगाया। हार्ट्राइक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी मिलता है। उदान ली नौ के डोबेराइनर के बैल की सीमाएं क्या हैं?
डोब्राइनर ने केवल 3 तत्वों का ट्रिक को उस समय पहचान सके और उससे और सभी टुकड़ों के ट्रिक को उनके ट्रिक के अनुसार नहीं हो सका। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं क्या है? न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का कैल्शियम तक केवल परमाणु भार वाले पदार्थ का मिश्रण कर पाया। मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग निम्नलिखित ऐसी अम्ल से भी K2O, O2, AlAl2O2, SiSiO2, BaBO, गैलियम और अतिरिक्त अब तक किस के तत्वों को पता चला है जिसके लिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में खाली जगह छोड़ी थी। 2 उदाहरण दें, एस्केडियम व जर्मेनियम। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मानक तय किया? मेंडलीव ने अपने परमाणु के अनुसार जीव को अलग किया। उन्होंने एक समान गुणत्व वाले श्रमिका को एक समूह में बनाए रखने का प्रयास किया। आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों का अलग समूह में क्यों रखा गया? उत्कृष्ट गैसों की क्रिया अभिक्रिया होती है, अतः विविध वर्ग में रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा मेंडलीव की आवर्त सारणी के विभिन्न कलाकारों को किस प्रकार से दूर किया गया? आधुनिक सारणी में हथियारों को उनके परमाणु क्रम के अनुसार अलग किया गया, वास्तव में प्रथम ग्रुप के स्थान दिया गया। आवर्त सारणी के श्रमिका स्थित उसके रासायनिक अभिक्रिया का पता चलता है। 3, जब को उनके भार के अनुसार अलग अलग क्रम में रखा गया। मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखने वाले 2 तत्व का नाम लिखिए। आपके चयन क्या आधार है? उत्तर, बेरिलियम Be तथा कैल्शियम Ce दोनों ही मैग्नीशियम की ही तरह अभिक्रियाशील दर्शाता है। दोनों के ही बाह्य किस में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, Be तथा Ca 2882 होता है के नाम बताएं। 3 तत्व जिनके पास सबसे बाहरी कोश में एक पद होता है, बी 2 उद्यम सबसे बाहरी कोश में 2 निवेशक है, 3 बनाए गए किले बाहरी कोश पूर्ण होता है। उत्तर ए, एलेमिली मोनोना पोटेशियम के, बी मैग्नीशियम Mg कैल्शियम Ca, नियोन यानी आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, लिथियम पोटेशियम, ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर शुद्ध गैस मुक्त कराती है। परमाणु के इन तत्वों में क्या कोई खराबी है? हीलियम एक क्रियाशील गैस है जबकि नियोन की अभिक्रियाशील अत्यंत कम है। इन परमाणुओं में कोई समानता नहीं है। उत्तर ए, हाँ, इन तत्वों की परमाणु में उपयोगिक है। इनमें से एक उत्पाद में केवल एक इलेक्ट्रॉन अन्य धार्मिक ग्रंथ भी एक जैसा है। बी, हाँ, ये भी लाभकारी है। दोनों सह लेखक है जो तथा